जबलपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एक बार फिर मीडिया के सामने अपना भय प्रकट किया। आजम खान ने एक बार फिर जिला प्रशासन पर मतगणना प्रभावित करने के आरोप लगाए। वहीं इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही टाइम मैगजीन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर भी खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी मैगजीन, जो इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन हो और जिस पर किसी किस्म की छाप न हो, उसमें 135 करोड़ के हिंदुस्तान के बादशाह पर इतनी खतरनाक टिप्पणी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी पर चुटकी लेते हुए आजम खान ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री की जानकारी का यह आलम हो कि बादलों में और धूल में रडार काम नहीं करता, बस भगवान ही कृपा करें और अल्लाह ताला रक्षा करेंगे, रडार काम नहीं करता बादलों में, यह भी BSNL हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय इलेक्शन कमीशन को रामपुर के माहौल के बारे में, उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत के बारे में और यहाँ तक कि वह अधिकारी जो रामपुर सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए भेजे गए हैं, जनता को प्रताड़ित करने के लिए भेजे गए और सरकारी धन से बनी हुई इमलात को जिन लोगों ने तोड़ा है, नीयत सिर्फ यह थी कि रामपुर का माहौल खराब हो, कर्फ्यू में गोली चले और बेगुनाह लोग मारे जाएं, जो सुनिश्चित टारगेट था। इसके पीछे या तो 2 साल से सरकार है, लेकिन पिछले 2 महीने में जो कुछ रामपुर में हुआ वह अभूतपूर्व हुआ और वह हुआ रामपुर के चुनाव को मद्देनजर रखकर 77,000 रेड कार्ड इशू किए गए और कहा गया कि घर से बाहर न निकले 77,000 परिवारों को वोट डालने से वंचित किया गया। वहीं इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को दी गई। यहां बेगुनाह के घरों पर दबिश दी गई और पैसे लूटे गए। इलेक्शन कमीशन से कोई संज्ञान नहीं लिया। चुनाव से एक दिन पहले ही रामपुर शहर में दहशत का माहौल बना, लाठीचार्ज बुरी तरह से हुआ, वहीं दुकानदारों को मारा, ग्राहकों को मारा। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन चुनाव के दिन 11 बजे तक कोई वोटर रामपुर शहर का, स्वार का, टांडा का, दड़ियार का, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ मुसलमान वोट डालने के लिए नहीं निकले और कोई भी व्यक्ति गठबंधन का इलेक्शन एजेंट बनने के लिए नहीं गया। यह सारी सूचना भी दी गई। आजम खान ने कहा कि हमारे सारे लाइसेंस खारिज कर दिए गए, जबकि हमारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 9 बार विधायक रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे, वह एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया है, 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई। 16 मुकदमे हमारे ऊपर आचार संहिता के कायम किए गए, जिसमें 5 मुकदमों पर आज हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में बहस थी। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों पर इस तरह की धाराएं लगाकर विचार करना चाहिए और इन सारे मुकदमों में हमें स्टे मिल गया। आजम भाई, DM साहब ने मतगणना को लाइव दिखाने के लिए मुख्य चौराहे पर LED टीवी लगाने की घोषणा की है। जब मशीनें हैक कर ली गई तो रिजल्ट तो हैक आएगा, उसे दिखाने नहीं दिखाने से क्या फायदा होगा? कहां तलाशी हुई DM की गाड़ी की? कितनी वह मशीनें पकड़ी गई हैं अधिकारियों की गाड़ियों से हिंदुस्तान में? क्यों आखिर रामपुर के DM को इतनी छूट दे दी गई है? इलेक्शन कमीशन तो का बस नहीं चल रहा है, वो तो प्रधानमंत्री जी को खुद ही सीधे शपथ दिलवा दें, मोदी जी को, वो तो इतने मोदीमय हो गए, कुछ सुनने ही कोई तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। सिर्फ इंसाफ मिलेगा इस देश को तो न्यायालय से मिलेगा, मिल रहा है। आज ही हमें 5 केसेस में स्टे मिला है। जिन्होंने मेरे लाइसेंस तक खारिज कर दिए, इसलिए मैं आज आपके माध्यम से यह सूचना भी देने जा रहा हूं और कमिश्नर मुरादाबाद मंडल को यह लिखने जा रहा हूं कि मुझे अपने सारे हथियार, मेरे सारे परिवार के हथियार, जिसे मेरे, मेरी पत्नी का और मेरे बेटे अब्दुल्ला का हथियार बेचने की परमिशन दी जाए, क्योंकि ऐसे हथियारों को रखकर दुकान पर जंग चढ़ाने से क्या फ़ायदा, जो खुद हथियार मेरी मौत का कारण बन जाए। लिहाजा मैं बिल्कुल निहत्ता होना चाहता हूं और सरकार से ये कहना चाहता हूं कि विधायक के तौर पर भी जो मुझे गनर दिया हुआ है, जो शेड्यूल दिया हुआ है, उसे भी वो विड्रा कर लें, क्योंकि ज़िंदगी का देने वाला कोई न कोई नेता है और न ही कोई अधिकारी है। मुझे अगर जिंदा रहना है तो मेरा मालिक जिंदा रखेगा, लेकिन इन अधिकारियों पर मेरा खुला इल्ज़ाम है कि मेरी हत्या करने, चुनाव के दिन वोटों की लूट करने और चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए कोई भी अनर्थ और कोई भी बात 23 तारीख को किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले सकता है तो ले। आज मैं इलेक्शन कमीशन को इन सारे हालात को लिखकर भी भेजने वाला हूं और आपके माध्यम से ये सूचना दे रहा हूं कि अब जिले के उन अधिकारियों को जिन्होंने रामपुर वालों का जीना दूभर कर दिया है, उन्हें मेरे जैसे व्यक्ति से जाए।
लेकिन हमारी निश्चित सूचना यह है और इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार को भी लेना चाहिए कि हमारे जैसे लोगों को मार देने से देश का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। हमें मारने की भूमिका तैयार कर ली गई है। रामपुर में कर्फ्यू लगाकर जनगणना कर मतगणना कराने की भूमिका तैयार कर ली गई है। हमारा वोट तो नहीं रोका जा सका, लेकिन हमारे वोटों की गिनती को प्रभावित करने के लिए रामपुर का प्रशासन जो भूमिका तैयार कर रहा है उसमें मेरी सुनिश्चित जानकारी यह है कि एडीएम रामपुर जिन्हें डीएम साहब लेकर आए हैं, जिस चंडाल चौकड़ी को वो साथ लेकर चलते हैं, जिनका काम मस्जिदें गिराना, मुसलमानों के और कमजोर लोगों के घरों को गिराना, उपेक्षित लोगों को सताना, उनमें से एक अधिकारी जो एडीएम रैंक के हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मेरी जानकारी लगभग सही है और सच्ची है ये लिखकर दिया है कि उन्हें मुझसे जान का खतरा है और उनके आवास के बाहर संदिग्ध लोग देखे गए हैं। मैं चाहूंगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये पेशबंदी है अधिकारियों की मुझे मारने के लिए। पहले यही होता था कि अमुक व्यक्ति से हमें खतरा है, दो चार बार थाने में दरखास्त दी जाती थी और पांचवी बार उसे मार दिया जाता था, लेकिन इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई और ऐसे लोगों को उम्र कैद और फांसियां हुई, तब से ये चलन बंद हुआ। लेकिन रामपुर के प्रशासन ने मुझे मारने और मेरी गिनती को प्रभावित करने, यानी गिनती के दिन कर्फ्यू जैसी चीज लगाने, अंदर लाठीचार्ज करने, गोली चलाने का माहौल बनाने के लिए ये भूमिका बनाना शुरू की है कि मुझसे अधिकारी को जान का खतरा है। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे, बख्तरबंद गाड़ियां इन्हें दे, इनके आगे पीछे एक एक बटालियन पीएसी चलाई जाए, क्योंकि ये सब अधिकार तो उनके कलम में है, अपने लिए सुरक्षा और सुरक्षाकर्मी लेने का जिनको अधिकार। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। चंबल मथुरा में हाइड्रोजन परऑक्साइड से भरे टैंकर की दूसरे टैंकर से हुई भिड़ंत, वहीं भिड़ंत से टैंकर से लीक हुआ केमिकल जिससे विषैली गैस निकलकर बाहर आ गई, आसपास हुआ दहशत का माहौल। मौके पर रिफाइनरी की रेस्क्यू टीम और दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस फोर्स ने करीब 3 घंटे में सफल ऑपरेशन को दिया अंजाम। आपको बता दें कि घटना थाना हाईवे इलाके के मथुरा भरतपुर रोड पर गांव मुंडेसी के पास की, जहां भरतपुर की तरफ से आ रहे हाइड्रोपरोक्साइड केमिकल के टैंकर के सामने से आ रहे दूसरे टैंकर से टक्कर हो गई। वही टैंकर में हाइड्रोपरोक्साइड केमिकल का टैंकर लीक हो गया जिससे केमिकल निकलकर रोड पर आने लगा। टैंकर से निकल रहे केमिकल से विषैली गैस निकलने लगी जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दोनों तरफ से मथुरा भरतपुर रोड को रोक दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को भी ऑपरेशन के लिए घटना स्थल पर बुला लिया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं करीब 3 घंटे बाद लीक हुए टैंकर को ठीक किया गया, जिसके बाद सकुशल मथुरा भरतपुर रोड पर वाहनों का आवागमन शुरू कराया गया। वहीं घटना में गनीमत यह रही कि दोनों टैंकरों की टक्कर में कोई भी चालक परिचालक घायल नहीं हुआ और न ही टैंकर से निकल रही विषैली गैस से किसी को कोई हानि हुई। समय से ही घटना की जानकारी हुई और आईओसी और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर सफर ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम बिछड़ा राणा। अच्छा, ये घटना क्या हुई है? ये घटना ये है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का लिक्विड टैंकर है, इसमें लीकेज एक्सीडेंट की वजह से लीकेज हुआ है, पाइपलाइन फ्लेंज हट गई है और पूरा ड्रेन होके ही इसको हटाने की कोशिश की जाएगी। देन इसमें ये अच्छा है कि यहाँ बगल में फॉर्म मिल गया हमें, इसलिए लिक्विड गिर रहा है इसको डाइल्यूट करके पानी से यूटिलाइज करेंगे, ताकि टैंकर खाली होने के बाद इसको हटाया जाए। अच्छा, आपको इसकी सूचना कहाँ से? हमें तो सूचना हमारे डीएम साहब ने दी, डीएम महेश कुमार साहब ने। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जनपद हरदोई के बेनीगंज में आज एचसीएल समुदाय और अस्पताल कर्मियों ने मिलकर संपूर्ण अस्पताल में सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन और एचसीएल
समुदाय पिछले कुछ समय से अस्पताल के शुद्धिकरण पर कार्य कर रहे हैं। इसमें अस्पताल के भवन की मरम्मत, रंगाई पुताई के साथ साथ अस्पताल के वातावरण को भी स्वच्छ बनाने शामिल है। अस्पताल में सफाई कर्मी और दाई की भूमिका अहम है। एक तरफ जहां डॉक्टर दवा से मरीज का इन्फेक्शन ठीक करते हैं, वहीं सफाई कर्मी हॉस्पिटल के कूड़े का सही जगह निस्तारण कर पूरे अस्पताल और समुदाय को संक्रमित होने से बचाते हैं। वहीं HCL समुदाय के ऑपरेशन हेड दत्तात्रेय गोखले ने CHC कोथावा में अस्पताल स्वच्छता अभियान में समुदाय कर्मी और अस्पताल कर्मी को संबोधित करते हुए कहा। HCL के ऑपरेशन हेड योगेश कुमार ने इस अभियान को अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने की बात कही और समुदाय कर्मी नवनीत और अभिषेक को स्वच्छता अभियान के सफलता पर धन्यवाद दिया। वहीं HCL ने अपने CSR परियोजना के तहत अस्पताल की मरम्मती का कार्य किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बीच बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए HCL समुदाय सतत प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य अधीक्षक ने अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए सफाई कर्मी और दाई को इस पवित्र कार्य के लिए धन्यवाद दिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई।